तो दोस्तों इस वजह से आपके शॉर्ट वीडियोज़ पे व्यूज नहीं आता है। दोस्तों मैं संडे को लाइव चैनल चेक करता हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत सारा चैनल चेक किया है, बहुत सारे लोग अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोज़ क्रिएट करते हैं लेकिन उनके शॉर्ट वीडियोज़ पे व्यूज नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, इस वजह से आपके शॉर्ट वीडियोज़ पे व्यूज नहीं आता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे ये सारे गलतियों को नहीं करता हूँ, मैं कुछ टिप्स को अप्लाई करता हूँ जिसके वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक नया चैनल पे ये एक्सपेरिमेंट किया। इसमें सिर्फ 5 सब्सक्राइबर था और मैंने यहाँ पे 3 शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया। और दोस्तों आप देख सकते हैं तीसरे शॉर्ट वीडियो पे यहाँ पे 2 दिन में 4000 व्यूज आ गया है और उस वीडियो से यहाँ पे 22 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया, यानी 22 सब्सक्राइबर भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, क्या ट्रिक्स था, अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी सही तरीके से अगर अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करेंगे तो आपके भी शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये पता होगा कि अभी शॉर्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा रैंक मिलता है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियोज क्रिएट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना, आपको सही तरीके से क्रिएट करना है, सही ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सही ट्रिक कौन सा है, सही तरीका क्या है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखते रहना है। और जो भी मैं आप लोग को टिप्स बता रहा हूँ, जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने शॉर्ट वीडियोज़ पे अप्लाई करना है। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि 3 महीने के अंदर अगर आपके चैनल पर 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो गया तो मैं आपके चैनल को बिल्कुल फ्री में अपने चैनल पर प्रमोट कर दूंगा, अगर आपने अगर 3 महीना लगातार काम कर लिया तो। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये कौन सा ट्रिक है और इन ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैंने लिख के रखा है ताकि आप लोग को अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है कि आपको शॉर्ट वीडियो कहाँ से क्रिएट करना चाहिए। आपको 2 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन है कि YouTube में आपको क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आपको शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन मोबाइल कैमरा से, यानी आप अपने मोबाइल कैमरा से शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है कि आप कहीं से भी YouTube शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से क्रिएट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, या फिर अगर आप डायरेक्ट YouTube एप्लीकेशन से शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं तो वो भी अच्छा है। आपको जहाँ से आप अच्छा से शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर पाते हैं आपको वहां से क्रिएट करना है। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हैं इस साइज में आपको शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि वीडियो का लेंथ क्या होना चाहिए, 15 सेकंड या फिर 60 सेकंड। तो दोस्तों यहां पे मुझे लगता है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको 15 सेकंड का वीडियोज क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपने 60 सेकंड का एक वीडियो क्रिएट किया और आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी YouTube वीडियो में 50% ऑडियंस रिटेंशन मिलता है तो वो जो वीडियो और भी ज़्यादा रैंक करता है, उसमें और भी ज़्यादा व्यूज आता है। और अगर आपने 60 सेकंड का एक वीडियो क्रिएट किया तो उसमें 50% ऑडियंस रिटेंशन आने के लिए 30 सेकंड अगर आपके वीडियो को देखेगा तब उसमें 50% ऑडियंस रिटेंशन आएगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे 15 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट किया तो वहां पे अगर 50% का ऑडियंस रिटेंशन अगर आपको चाहिए तो सिर्फ 7 से 7.5 सेकंड अगर आपके वीडियो को देखेगा तो उसमें 50% का ऑडियंस रिटेंशन आपको मिल जाएगा और वो जो 15 सेकंड का वीडियो वो जल्दी से रैंक हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि आपको 15 सेकंड का यूट्यूब शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना चाहिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आपको YouTube शॉर्ट वीडियो कहाँ से अपलोड करना चाहिए। आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एक जहाँ से आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ से आपको एक ऑप्शन अपलोड करने का मिलता है, और दूसरा ऑप्शन मिलता है क्रिएट शॉर्ट का, जो आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ से भी आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको क्रिएट शॉर्ट का जो ऑप्शन मिलता है वहाँ से आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप अगर यहाँ पे बता रहे यूट्यूब को कि मेरा जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो है तो आपके शॉर्ट वीडियो को यूट्यूब जल्दी से यूट्यूब सेक्शन में रेकमेंड करेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियो जहाँ से अपलोड करते हैं वहाँ से अगर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब को शॉर्ट वीडियो पता करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उतने टाइम तक आपके शॉर्ट वीडियोज पर व्यूज नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आपको क्रिएट शॉर्ट का जो ऑप्शन मिलता है वहीं से आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपने शॉर्ट वीडियो के टाइटल में हैशटैग शॉर्ट्स जरूर यूज करना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर आप अपने YouTube शॉर्ट वीडियो के टाइटल में हैशटैग शॉर्ट्स आपने यूज किया तो YouTube को तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो है और वो शॉर्ट का जो सेक्शन है उसमें रेकमेंड करने लगेगा। इसलिए आपको टाइटल में हैशटैग शॉर्ट्स और हैशटैग YT शॉर्ट्स जरूर यूज करना है। अब दोस्तों चलिए मैं आप लोग को कुछ टिप्स बताता हूँ और इन टिप्स को अगर आप अपने YouTube चैनल पे अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा, आपके शॉर्ट वीडियोज पे बहुत ही तेज़ी से व्यूज आएगा। तो ये टिप्स क्या है चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट टिप्स है कि आपको रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करना है, यानी आपको हर दिन शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है।
तो दोस्तों यहाँ पे और एक बात है कि आपको एक दिन में 3 से 4 शॉर्ट वीडियोज क्रिएट करना है, और एक और बात है कि आपको सही टाइम में एक ही टाइम में आपको हर दिन वीडियोज अपलोड करना है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आपने एक 8 बजे सुबह में आपने एक वीडियो अपलोड किया, फिर दोपहर में आपने 12 बजे अपलोड किया, फिर शाम को 4 बजे अपलोड किया, फिर से कल जो दिन होगा उसी टाइम वही सेम टाइम में आपको फिर से YouTube शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना है यानी अपलोड करना है। इस तरीके से अगर आप शॉर्ट वीडियोज अपलोड करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, तो आपका जो चैनल है बहुत ही तेजी से ग्रो होगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप अगर 3 महीना यानी 90 दिन में अगर आप 250 शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर लेते हैं और अपलोड करते हैं, तो ये गारंटी मैं लेता हूं कि आप सिर्फ 3 महीने के अंदर आपके चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ ना, तो मैं आपके चैनल को प्रमोट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और ये मैं 100% बोल रहा हूं। अगर नहीं हुआ तो मैं आपके चैनल को फ्री में प्रमोट कर दूंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको इन टिप्स में से कोई भी समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आपको जरूर कमेंट करके पूछ लेना है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों चलिए दोबारा मिलता हूँ कोई भी न्यू और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।